हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाए हैं टेस्टी चटपटे यमी राजमा। सो गाइज, ये सभी के घर में खाए जाने वाली डिश है राजमा और चावल। इसे मैं कुछ आपको अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। तो गाइज चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा मैंने रात में एक कटोरी भिगो दिया था, डूबते हुए पानी में अच्छे से धो करके भिगो दिया था। और ये देखिए पानी अब मैं हटा दूंगी और राजमा हमारे अलग हो गए हैं पानी से। कुकर हमने ले लिया है जिसमें मैंने कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और दालचीनी। अब हम इसमें डाल देंगे छोटे साइज़ के कच्चे आलू। सो गाइज, आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा राजमा में, एक बार आप ज़रूर डाल के देखिएगा। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज डाल दी है और अब हम इसमें डाल देंगे ये राजमा भीगे हुए वाले। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, आप इस तरह से ज़रूर बनाएगा। कलर के लिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और डाल देंगे इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। सो गाइज, आलू हैं वो नमक सोखेंगे, तो इसके हिसाब से नमक आप टेस्ट करके डालिएगा। पानी डाल देंगे हम, राजमा अच्छे से डूब जाएँ इतना पानी डालना है और बाद में ज़रूरत के अनुसार हम पानी को फिर से डाल देंगे। सो गाइज, अब हम इसको देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 20 मिनट तक हमें इसको पकाना है। करीबन 3 से 4 सीटी अच्छे से आ जाएं जब तक हम मसाला ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडिंग जार ले लिया है जिसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है, बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है और टमाटर डाल दिए हैं। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को इसमें कट करके डाल दूंगी और इसमें चटपटा सा फ्लेवर लाने के डालेंगे हम लाल मिर्ची और हरी मिर्ची। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला बनेगा ये पीस करके। और ये हमारा है साबुत मसाले का पिटारा जिसको मैंने खोल दिया है और इसमें से अब हम डालेंगे कुछ मसाले। साबुत धनिया डालेंगे हम 2 टीस्पून और इसमें हरी इलायची डालेंगे, बड़ी वाली काली वाली इलायची भी डालेंगे, अच्छा सा फ्लेवर टेस्टी आता है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें हमने काली मिर्च डाल दी है, लौंग डाल दी है, थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी डाल दी है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा साबुत मसालों का पिटारा जो है वो बंद कर देंगे हम और ये हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा एकदम से पिस गया है। इधर हम कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे राजमा और आलू अच्छे से देखिए उबल गए हैं। ये देखिए प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गई है, आलू सॉफ्ट हो गए हैं और इसको देखिए बस हल्का सा ऐसे करके मैश कर देंगे जिससे हमारे प्याज वगैरह सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें। और देखिए मैंने अभी हाथ से फोड़ा, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया था राजमा। तो गाइज़ ये हमारा, अब इसको मैं अलग साइड में रख देती हूँ। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी जिसमें मैंने तेल ले लिया है, मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही लेती हूँ। इसमें मैंने जीरा और लाल वाली मिर्ची डाल दी है, इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है और हींग डाला है। सो गाइज़ आप हींग ज़रूर डालिएगा, राजमा थोड़ा सा हैवी होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट प्याज और टमाटर वाला और अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। सो गाइज़ आप इस तरह से एक बार राजमा की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जो हम उबालने में जो मसाले डालते हैं उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरह से आप एक बार आलू ज़रूर डालिएगा, चाहे आप तो एक आलू बस डालिएगा, ज़्यादा नहीं। और देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा बस आलू को फोड़ा है, ज़्यादा मैश नहीं करना है कुछ भी चीज़ में। अब हम लेंगे सूखे मसाले और अब हम इसमें डालेंगे। सो गाइस देखिए हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट एकदम अच्छे से भुन गया है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले। जो हल्दी डाल देंगे, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया, नमक टेस्ट करके ही डालें क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। सो गाइस ज़रूर डालिएगा कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये देखिए ऑयल भी आपको दिखने लगा होगा, इतना अच्छा हमारा मसाला ये भुन रहा है। ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है और ये देखिए एकदम कलर चेंज पर चेंज होता जाएगा। इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे और ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे अपना राजमा। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, तभी ही डालें। मसाला भुनने में करीबन 10 से 15 मिनट लगेगा, तभी ही आप राजमा डालें, कच्चा नहीं रहना चाहिए मसाला हमारा। और ऑयल एकदम सेपरेट हो जाए तो पता चल जाएगा कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। सो गाइज़ ये देखिए अब हमने राजमा डाल दिया है इसमें और मैंने गर्म पानी डाला है, आप ध्यान रखें गर्म पानी ही डालें, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। अब हम इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे करीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि पानी का पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पानी अलग और राजमा अलग दिखेगा। सो गाइज़ ये देखिए मैंने 10 मिनट तक करीबन अच्छे से पका लिया था और ध्यान रहे ये सब्ज़ी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। अब हम अलग से इसमें एक तड़का देंगे हींग और घी का, तो मैंने घी गर्म कर लिया है, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया और हींग डालेंगे। हींग का ऊपर से फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है 1-2 काट करके। आप चाहें तो इसमें
टमाटर के स्लाइस भी कट करके डाल सकते हैं। मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, उसमें भी काफ़ी तरह से मैंने राजमा बनाना आपको बताया है। सो गाइज़ ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें बढ़िया सा तड़का लगा दिया है और इसको अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। अभी ये गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए और बस फिर हम इसको प्लेट में सजाएंगे। सो गाइज़ आप इसको चावल से खाएं, रोटी से खाएं, पराठा से खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये राजमा। मैंने प्लेट सजा ली है चावल की और इस पर मैंने ऊपर से प्याज भी सजा ली है, हरी मिर्च भी सजा ली है। अब डालेंगे इसमें हम राजमा। सो गाइस राजमा और चावल का तो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। सो गाइस राजमा चावल इस तरह से रेडी है, प्लेट में मैंने सजा लिया है और आप इस तरह से अच्छे से इसको खाएं और इंजॉय करें। सो गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइस मैंने वेज और नॉन वेज दोनों तरह की वीडियो डाली हुई हैं और मेरे चैनल पर शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं। सो गाइस इंजॉय ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।